नमस्कार सर। कितने मिनट सर? सर क्या नाम है भगतिया जी? मेरा मुन्ना दास। कहाँ से आए जी? मैं ये जिला झांसी पड़ता है, यूपी में बलरानीपुर तहसील लगती है, गांव लगता है कजिया। सर रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप किसकी भक्ति करते थे? भक्ति तो यही सब की करता था, हनुमान है, राम है, सीता है, जगदम्मा है, ये पूरी जो धर्म में जो देवी देवताओं की जो पूजा करते हैं वही पूजा करते थे। सर उनकी भक्ति से आपको क्या लाभ हुआ? लाभ तो कुछ नहीं हुए, लेकिन हानि पे हानि सब होती है। वो हानियों में सबसे बड़ा, मैं तो पहले एक तांत्रिक था, तांत्रिक किसी के माँ बहन के बच्चे नहीं होते थे तो उनके बच्चे भी पैदा हुए, और किसी के कोई भी काम अटक गया तो मेरे से पूछ के किया तो वो सब, और मैं करता रहा बराबर। अब मुझको ये पता नहीं चलता था कि आखिरकार ये हो कैसे होता था, बराबर होता था। अब इतना तक कि कभी पानी नहीं बरसा तो लोगों ने मुझे पकड़ा, हम उसको घेर के पूछा कि भाई पानी कब बरसेगा, तो पानी बताना पड़ा, और पानी एक महीने में अगर कहते तो ये सब होता रहा। ये सब होते 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 और मेरी लड़की को जिस समय भूतों ने घेरा तब वो नहीं, जब वो नहीं भगा पाया तो डॉक्टर और मास्टर और ये भूतप्रीत भगाने वाले, दौड़ने वाले, दौड़ाने वाले, जो कुछ भी जितने थे जमाने में उसको दिखाया। रियल फैक्ट, जिसको दिखाया वो मर गए, जो तांत्रिक रियल तांत्रिक ही मर गए। उसने कहा कि पांच मंगलवार वो हनुमान जी को चोला चढ़ा दो और वो भागवत कथा करवा दो, वो एक बार करवाई वो पंडित ही मर गया, एक ही बार में मर गया, उल्टा हो गया, ये पंडित ही मर गया। जब पंडित मर गया तो उसके ऊपर तो उससे बड़ा भी कोई है। ये अपना। अब मैं परेशान परेशान, तो वो लड़की भी मेरी मरने वाली थी। तीन महीने से ये समझ लो वो 24 घंटे में आधी रोटी खाती थी, आधी रोटी खाती थी, वो मरने वाली थी। और उसके बाद में ये समझो भगत जी कि मुझको अब मुझे कहीं से ज्ञानगंगा पुस्तक एक मिली थी, मैं पुस्तक पढ़ी थी, पुस्तक मैंने पढ़ी थी। गुरु कोई बनाया नहीं था, क्योंकि मैं पैसे से हूँ ड्राइवर, तो मैं तो साधु संतों से वैसे ही दूर रहता हूँ। ये साधु संत तो बहुत बदमाश होते हैं, सुनता था कि उसको लूट लिया किसी साधु ने, प्रसाद किसी को खिला दिया, उसको बेहोश कर काट के फेंक दिया, वो गाड़ी लेके चले गए साधु, किसी को कुछ भी कर दिया, उसको गुमराह करके अपने ले। उसके बाद भगत जी उस लड़की को मैं लेके यहाँ बरवाला आया 2005 में आया, मेरी भक्तमती यही है, उसको ले आया और भी एक दो लोग साथ में आए, और लड़की ने जैसे अंदर पैर रखा लड़की ठीक और एकदम ठीक हो गई, ऐसी ठीक हो गई तो परमात्मा की रजा है कि आज तक ठीक है, आज तक ठीक है, हम लोग सब जुड़ गए, उस लड़की ने हमको जुड़ा, लड़की आज तक ठीक है के बारे में नहीं तो लड़की मर जाती। और बाकी फायदे की आप बात करो तो जब से तो हमें फायदा ही फायदा है, फायदा के लिए तो जैसे सभी लोग कहते हैं, कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, लोगों ने गालियां दी, सब कुछ किया, लेकिन मैं पीछे नहीं, परमात्मा का 2014 में ये खेल हो गया, लेकिन कई लोग पीछे हट गए, मैं नहीं हटा, इसलिए नहीं हटा कि जिसने जो है मरे हुए आदमी को जिंदा कर दिया, और वो कैसे, वो तो भगवान है, भगवान ही है वो, ये लोग सब घूम रहे हैं, आपके हरियाणा के तो और ज्यादा घूम रहा है, ये ट्रेनों में गाली देते हैं, हम ट्रेनों में गाली देते हैं, रास्ते में कोई मिल जाए तो गाली देते हैं, अरे तुम्हारा क्या ले लिया भाई, तुम्हारी ये पब्लिक यहाँ पल रही है, ये ठेले ये सब पल रहे हैं, रेलवे पल रहा है, मोटर वाले पल रहे हैं, लेडी वाले पल रहे हैं, सब पल रहे हैं, हम लोग इतना आदमी आके यहाँ पे पैसा देता है हरियाणा, हमको भी शौक लगा के आया था, तुम लोग नहीं सीख, समझ में नहीं आ रहा, बड़े शर्म की बात है कि हरियाणा के लोगों को ये देखना चाहिए कि इनको वो पानी भी नहीं पिला सकते, अगर कोई खाता है तो उसमें लात मारते हैं, रोटी खाने में लात मारते हैं, जबकि वो रोटी नहीं खिला सकता है, रोटी परमात्मा दे रहा है, मेरी ये कहानी है। तो आप सभी को क्या संदेश देना चाहते हैं? सभी को तो हम संदेश तो नहीं दे सकते हैं, जैसे तो मैं हूँ, मैं सबका सत्ता हूँ, बाकी संदेश नहीं दे सकता हूँ, लेकिन रामपाल जी महाराज तो भगवान है, ये सब जो है पूरा ब्रह्मांड का प्रहाल, वो चाहे तो उलट पलट कर सकते हैं, भगत जी मैंने सब देखा, अच्छा बुरा सब देखा, मेरे बच्चे की गाड़ी ड्राइवर ही करता है, आधे पुल के ऊपर से निकल के लेती ले जाई गाड़ी, आधी पुलिया इधर आधी खाली उस पार हो गई, हमको भगवान नहीं तो कौन है, तो ये बताएं, ये जो यहाँ के जो पुजारी ये बताएं कौन है भगवान, जबकि ये हम लोग को परेशान करते हैं, गुमराह करते हैं, तो ये बताएं कौन है, राम है कि सीता है, कौन है, हनुमान है, बताएं, ये कोई है जवाब देने वाला?
आप यही कहते हैं, सबसे प्रार्थना करते हैं कि भाई भक्तों जैसे जुड़े हो और जोड़ो और इनकी शरण में आओ। ये तो भगवान, तो भगवान ही पूर्ण प्रांत है, कोई भूल मत जाना। अगर भूल गए और ये समय निकल गया तो कभी आने वाला नहीं है, और ना ये शरीर तुम्हारा आने वाला है इधर। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण कैसे कर सकते हैं आज के लोग? संत रामपाल जी महाराज की ग्रहण तो कर सकते हैं। वैसे तो एक आज के अभी इस समय में तो ऐसा कोई गांव नहीं बचा है कि जहां महाराज जी के भक्त ना, उनसे संपर्क कर सकते हैं। अगर वो नहीं मिलते तो ये सागरा टीवी में और भी चैनल है, उनमें सब जगह जो है सत्संग आता है, उसमें जो है एक पट्टी चलती है नीचे, उसमें नंबर आते हैं फ़ोन नंबर, उनसे आप संपर्क करिए फ़ोन नंबर लगा के, और तुरंत जो है आपको नाम दीक्षा कहीं भी केंद्र से मिल सकती है। जिस इलाके में आप रहते हो वहाँ नामदान केंद्र अवश्य है, हर जगह वहाँ से आपको दीक्षा मिल सकती है। धन्यवाद।